दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा में आज हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर के लिए, नेट स्लेट जेआरएफ के लिए जो फर्स्ट पेपर होता है उसकी पुस्तक के बारे में। पियर्सन पब्लिकेशन की केबीएस मदान और अंशुवाला मदान की पुस्तक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी अमेज़न पे रेटिंग देखें तो अमेज़न पे इसको 4 स्टार्स दिए गए हैं। चलिए एक बार मैं आपको सब पहले जिन्होंने पुस्तक खरीदी है उनके कमेंट्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, जितेंद्र जी ने कहा है कि इन्होंने 4 स्टार दिए हैं और पुस्तक को अच्छा बताया है। मोनिका जी ने एक्सीलेंट बोला है, 5 स्टार्स दिए हैं। और नवीन श्रीवास्तव जी ने बोला है सो है, सिलेबस कवर करती है बट बुक में डेप्थ नहीं है विच इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। थोड़ा सा मैं इस चीज से एग्री करती हूँ क्योंकि मैंने इस बुक को देखा है तो सिलेबस इसमें आपको पूरा मिल जाएगा। मैं अभी आपको इसकी इंडेक्स भी दिखाऊंगी, लेकिन काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टॉपिक पढ़ने के बाद हमको पेपर में नहीं मिल पाते हैं। फिर भी अभी अगर बात की जाए तो ये आपके उपलब्ध पुस्तकों में से सबसे अच्छी है। देखिए आगे कमेंट भी आपको देखने को मिल गया। रोहन जी कह रहे हैं बेस्ट बुक फॉर यूजीसी और नेट। अभी तक जो अमित कुमार जी कह रहे हैं बुक लैंग्वेज इज नॉट गुड। हिमांशु जी का कहना है रियली हेल्पफुल। और शालिनी जी कह रही है वेस्ट ऑफ मनी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बुक को रिव्यूज अच्छे मिले। कुछ लोग तो पता नहीं क्यों हमेशा नेगेटिव ही देते हैं। इतनी खराब बुक नहीं है कि इसको 1 स्टार दिया जाए। एक्चुअली जो 4 स्टार दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल सटीक अच्छे हैं। इसके लिए बुक में टॉपिक आपका सारा कवर किया गया है, बस वही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा डेप्थ आपको कम मिलती है देखने के लिए। आइए हम एक बार इसका देख लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स मेरे पास जो बुक के पीडीएफ है उसमें इंडेक्स नहीं थी, इसलिए मैंने अपने बुक से आपको ये इंडेक्स यहाँ पे दिखा दिया। देखिए यहाँ पे ये आपका कौन कौन सा टॉपिक कवर करती है। शिक्षण अभिसमता, अनुसंधान अभिसमता, अध्ययन बोध, संचार, तर्क, गणितीय तर्क सहित युक्ति संगत तर्क, सूचनाओं का विवेचन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जन एवं पर्यावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली, इसके बाद प्रशासन, राजनीति और शासन प्रबंध। इसके बाद सारे जितने अब तक पेपर हुए हैं 2012 से लेकर अभी तक सारे पेपर पुस्तक में दिए हुए हैं। बात की जाए तो ये लगभग आपके टॉपिक अच्छे से कवर करती है। कुछ डेप्थ कम है, कुछ आपको इसमें ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो किताब में आपको नहीं मिल पाएंगे। फिर भी मैं फिर से कहूंगी कि अभी तक उपलब्ध पुस्तकों में यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए ये बुक बहुत अच्छी साबित हो रही है। इसके अलावा भी जो बुक्स हैं मैं एक बार उनका भी इंडेक्स आपके सामने लेकर आऊंगी, उनकी भी जानकारी लेकर आऊंगी। आज हम इस बुक को ही देख लेंगे। अगर इस बुक को आप अच्छे से तैयार कर लेते तो आपको फर्स्ट पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए बुक का पीडीएफ इस तरह से है मेरे पास। इसमें सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड दिया गया है, एक बार इसको आप देख सकते हैं। शिक्षण के विभिन्न स्तर, कोशिश बहुत अच्छी है, सब कुछ कवर करने की कोशिश की गई है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि नेट के फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, तो देखिए जो करंट होता है जो आज का है वो तो आपको किसी भी इस तरह की बुक में नहीं मिल पाएगा, वो आपको खुद से अपडेट रहना होगा। लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए तो इस बुक में आपको काफी चीजें मिल जाती। जिसको जानकारी नहीं है और जिसको ये लगता है कि पता नहीं पुस्तक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए या कौन सी खरीदनी चाहिए, वो यहाँ पर खुद से देख सकता है। जितना मेरा मानना है तो सबके पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। यदि हम खुद देख के अपने हिसाब से बुक खरीदते हैं तो वही बुक हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल, ठीक है। इसका मूल्य आपने देख ही लिया है, एक सेकंड मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। इसका मूल्य 402 रुपए है और ये आपको अमेज़न पर
अवेलेबल है। ये पहले 400 रुपए में हम आती है, 402 रुपए में आपको अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं। स्टार्स अच्छे हैं, 234 लोगों ने इसको रेटिंग दी है, तो 4 स्टार्स इसको मिले हैं। एक आध नेगेटिव कमेंट्स में नहीं जाया जा सकता है। अब तक की मुझे लगता है किताब अगर जो भी आपकी मार्केट में फर्स्ट पेपर के लिए अवेलेबल है उसमें ये बहुत अच्छी बुक है। आगे मैं और भी जो दो तीन किताबें हैं उनका भी इंडेक्स और उनकी जानकारी आपके सामने लेकर आऊंगी। इसमें जो भी रीजनिंग दी गई है, बाकी जो भी जानकारियां दी गई है, यदि उसको पूरी तरह और अच्छे से पढ़ा जाए। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, इसमें जितने भी आपके फर्स्ट पेपर को आप बहुत ज्यादा हेडेक में नहीं लेते हैं तो आप इस किताब को देखकर आराम से रिलैक्स हो सकते हैं। पर सर ठीक है, जो भी किताब ले, मेरा ये मानना है, मेरी अपनी सलाह ये है, जो भी पुस्तक आप लें उसके साथ ईमानदार रहें। आप पुस्तक से दोस्ती करें, उससे आत्मीयता बनाएं, उससे प्यार करेंगे, सारी पुस्तकें आपको, सारी ही पुस्तकें क्षमता रखती हैं कि वो आपको सफलता दिला दें। इसलिए पुस्तकों से आत्मीयता लगानी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा यदि हम ऑनलाइन, मैं खुद, मेरा चैनल है, मैं पढ़ाती हूँ ऑनलाइन जरूर, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगी, पुस्तकों से प्यार करना बहुत जरूरी है। और सब लोग इतना पूछते हैं, लेकिन वास्तव में सफलता का सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं को है, तो किताबों से प्यार करना सीखिए। चलिए, अगली पुस्तक की समीक्षा के साथ मैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। कैसी लगी समीक्षा आपको और आपको किन पुस्तकों के बारे में जानकारी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपने कमेंट से कम उत्साहवर्धन कर दिया करिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगे। मुझे भी तो जानकारी हो आपको क्या चीज देखना चाह रहे हैं, आप क्या चीज समझना चाह रहे हैं, ऐसे एकदम हवा में काम नहीं है, तो आप उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। बताते रहिएगा, साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए